सौ करोड़ मूवी देखी क्या? मैंने देखी कौन कौन सी आदिपुरुष। हाँ यार मैंने देख ली है आदिपुरुष। और यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस मूवी को देखने के बाद मैं सही बता रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा था कि मैंने कहा इस मूवी को देखी, कहा ये मूवी बनी। और यार इस बात मैं सही में समझ गया कि आखिर ये लोग बताना क्या चाहते थे और बना क्या दिया। मतलब ये लोग बनाना चाहते थे कि ऐसी मूवी जिसके अंदर डायलॉग थे, वीएफएक्स पंगा थे, और ये लोग एक थोड़े बाहुबली वाले सीन्स को प्रिडिक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन बनाया क्या बवासीर। आइए जानते हैं कि VFX को छोड़कर आखिर इस मूवी में है तो है क्या। तो हाँ यार इस मूवी की जो स्टोरी है वो तो ठीक ही है, वो हम सभी को पता है कि कौन सी है, अपने रामायण भगवान की है। लेकिन यार तुम्हें पता है इस मूवी के जो डायलॉग बाजी है भाई, मैंने कहा कि किस टिकटॉक पर की छपरी ले आए हो बे, क्योंकि मुझे एक ये नाम याद आ रहा था टिकटॉक। इसकी डायलॉग सुनने के बाद बस तुम यही कहोगे कि इंसेन डायलॉग राइटिंग है यार। भाई तुम खुद सुन के देखो, जैसे कि एक डायलॉग है जहाँ पे बोला जाता है कि तेरी बुआ का खेत है क्या जो तू हवा खाने आ गया। फिर लिख के आता है कि तेरा तेरे बाप का तेल, तेरा कपड़ा तेरे बाप का, सब कुछ तेरे बाप का। भाई मैंने कहा कि क्या लिख रहे हो भाई तुम, भाई ओवर सैचुरेटेड बातें हैं इसकी कास्टिंग के ऊपर। तो यार इसकी कास्टिंग को देखने के बाद मैं तुम्हें एकदम सीरियसली कहना चाहता हूँ कि प्रभास एज अ श्रीराम मुझे नहीं लगे, मुझे वो ट्रेलर के अंदर ही नहीं अच्छे लग रहे थे। और मैंने इस बात को पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि भाई प्रभास एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है, उन्होंने एक्टिंग अच्छी करी है, लेकिन वो एज अ श्रीराम के लिए बने नहीं है यार। बुरा मत माना, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हर चीज नहीं बनी है, उनके लिए कुछ टॉपिक्स ही अच्छे होते हैं जो कि उनके लिए पर अच्छा लगता है, हर किसी के ऊपर श्रीराम का किरदार अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो हाँ प्रभास एक अच्छा एक्टर है, लेकिन श्रीराम में वो जस्ते नहीं। जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँ तो यार ये लक्ष्मण को किसने ले लिया यार, मुझे ले लेते नहीं ठीक लग रहा था, या तुमको ले लेते बताओ, ले लेता। नेक्स्ट बात आ जाती है अपने रावण को लेकर, सैफ खान को लेकर। तो वो काफी टाइम तक थोड़े बहुत में मजे देते हैं, लेकिन फिर भी वो गुड़गुबरी कर जाते हैं। जहाँ पे फिर सीता मैया की बात करूँ तो उनका भी ठीक ही था, लेकिन वही डायलॉग बाजी जो है ना तेरा मेरा वाला, वही वाला इनके साथ चक्कर है। जहाँ पे मैं तुम्हें इसके बाद बताना चाहता हूँ कि रावण की जब तुम फैमिली देखोगे तुम देख लेना, तुम देख लेना ठीक है, फिर बताना ओके कमेंट ये बॉक्स जरूर बताओ, देख लियो तो बताओ, अपना ड्रामा मेरे साथ शेयर करो। बात कर लेते हैं उसके बारे में जिसके लिए इसके लिए पूरी तरह से ड्रामाटिक हो रखी है, और वो है अब यार मैं बताना चाहता हूँ कि इस मूवी का जो VFX है वो इंसेन नहीं है, वो टोटली डार्केस्टिक है यार। मतलब यार जिस जगह पे तुम्हें थोड़ा पहले अगर तुमने टीजर ट्रेलर देखा होगा तो जहाँ रोशनी थी वो अंधेरा कर दिया, और अंधेरे में तुम कमियां निकालोगे भी निकाल ही नहीं सकते। और पैरों को तो देखना ही मत, क्योंकि यार पैरों की अगर तुम शैडो देखोगे ना तो शैडो दिखाई नहीं देती। और यार वही उड़ता चमगादड़ बाबा वाला रावण, काली सोनी की लंका जो भस्म होने के बाद और भी काली हो जाएगी, वो सब तुम्हें ही देखने को मिलेगा। जहां पे मैं बता रहा हूँ कि भाई इसका जो VFX पार्ट है वो थोड़ा सा सुधारा गया है, क्योंकि उसे थोड़ा डार्केस्टिक वे कर दिया गया है, थोड़ा सा अपर लाइन में ले दिया गया है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं लगता यार। तो ओवरऑल अगर सही बात कहूँ तो ये मूवी उतनी बेकार भी नहीं है, देखा जा सकती है, टाइम पास के लिए बनी है। लेकिन क्या तुम्हें इसी आदिपुरुष वाली रामायण को देखना चाहिए? इसका कहने का मतलब ये है कि ये मूवी उन लोग के लिए बनाई गई है जिन्होंने अभी तक रामायण जैसी फिल्मों को देखा ही नहीं, या रामायण की कथा सुनी नहीं, या फिर रामायण जैसे सीरियल्स को देखा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें इस मूवी की भी कोई जरूरत नहीं, एक अच्छी सी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ रामायण की कहानी देख लो, वो एपिक रामायण वाली जो कार्टून मूवी आई थी, या फिर ने अरि गोविंद वाले जो बनाई थी ना रामायण, वो भाई एपिक है, उससे बेस्ट रामायण मैंने आज तक नहीं देखी। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसके गाने उसके डायलॉग सुनोगे ना मजे आ जाएंगे। अगर तुम आदि पुरुष ही देखना चाहते हो, उसी के थोड़ा देखना चाहते हो, मुल्ला वाला रावण ये सब, तो जाओ देखो। मैंने कहा जाओ देखो ना, मैं नहीं कह रहा कि तुम इस मूवी को देखो, मैं कह रहा हूँ कि तुम इसको टेलीग्राम से भी डाउनलोड मत करना, मैं कह रहा हूँ कि तुम इसको थिएटर जाके देखना ही मत, मैं कह रहा हूँ कि तुम बस इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइबर्स बढ़ा देना, और अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो देखते रहना। जय श्री राम।